स्वागत है सभी का एक बार फिर से। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर टू एनसीईआरटी के चैप्टर टू शुरू करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ये चैप्टर सेकंड है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ेंगे। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, राष्ट्रीय आय का लेखांकन, कैसे नेशनल इनकम जो है डिटरमाइन की जाती है, उसके लिए क्या क्या इंडिकेटर्स हमें चाहिए होते हैं, जहाँ कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें स्टडी करना ज़रूरी है नेशनल इनकम अकाउंटिंग को समझने के लिए, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले कैसे हैं आप सभी, आशा है आप सभी अच्छे होंगे घर पे। तो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे, इन दिस चैप्टर वी विल इंट्रोड्यूस द फंडामेंटल फंक्शनिंग ऑफ सिंपल इकॉनमी, एक सिंपल इकॉनमी कैसे फंक्शन करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ प्राइमरी आइडियाज़ होंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे, कुछ बेसिक फंडामेंटल थिंग्स जो होंगी, कॉन्सेप्ट्स होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। कैसे एग्रीगेट इनकम सारी इकॉनमी की डिटरमाइन की जाती है अलग अलग सेक्टर्स की इन अ सर्कुलर वे, वो पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो एग्रीगेट इनकम क्या होगी, एग्रीगेट इनकम यानी पूरी इकॉनमी की इनकम, नेशनल इनकम, हम इकॉनमी पूरे कंट्री की इकॉनमी को नेशनल इकॉनमी ही बोलेंगे, एक कंट्री की इकॉनमी को बोलेंगे, और उसकी इनकम टोटल इनकम, टोटल इनकम एग्रीगेट इनकम मतलब कि जो हर एक इंडिविजुअल है हमारी कंट्री का उसकी इनकम का प्लस करते हैं जब, तो वो एंटायर इकॉनमी की पूरे देश की इनकम हमें पता चल जाती है। तो एग्रीगेट इनकम जो है एंटायर इकॉनमी की कैसे डिटरमाइन होती है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक ये सेक्शन एक खंड रहेगा जिसमें आप पढ़ेंगे थ्री वेज टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, किस तरह से तीन अलग अलग मेथड्स हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। पहला जैसे प्रोडक्ट मेथड है, दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड है, तीसरा इनकम मेथड है। तो ये सभी मेथड्स जो हैं अलग अलग तरीके हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं, तो इनके रिजल्ट्स लगभग सेम सेम ही आते हैं। तो अलग अलग मेथड से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो अलग अलग एजेंसीज रहती हैं, कौन करता है नेशनल इनकम कैलकुलेट वो हम आगे पढ़ेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी है आपके लिए, तो आगे बढ़ते हैं। साथ में इसमें आप GDP डिफ्लेटर एक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जो आपने क्लास 11th में भी पढ़ा, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ये भी साथ साथ डिस्कस किया जाएगा। और एक फाइनल इसमें ये रहेगा कि GDP यानी कि हम दरअसल नेशनल इनकम जो होती है ऐसे उस कंसीडर करते हैं GDP को ही, लेकिन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट को सही में हम नेशनल इनकम बोलते हैं। तो अगर GDP का बढ़ना मतलब देश की इनकम का बढ़ना, क्या उससे हमारा वेलफेयर भी बढ़ता है, लोगों का, कंट्री के जो लोग हैं पीपल हैं उनका वेलफेयर बढ़ता है क्या, इस ये भी एक क्वेश्चन रहेगा हमारे लिए और इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब जान पाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के उसके बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 2.1 है, खंड 2.1 यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत संकल्पनाएं, ठीक है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले आ रहा है कि पायनियर जो इकोनॉमिक्स का जिनको माना जाता है ना, जिन्होंने अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट एस्टेब्लिश किया, तो उनका नाम क्या है, एडम स्मिथ, मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर में भी बताया है। उनका काम, उनका इन्फ्लुएंशियल वर्क, उनकी किताब एक छपी थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में इनकी ये काम, ये बुक, ये पब्लिश हुई थी। तो अब हम इकोनॉमिक्स में ये समझना चाहते हैं, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और इससे पूरे नेशन की इकॉनमी, पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी का हम के बारे में हम जानते हैं, स्टडी करने की कोशिश करते हैं और डाटा मिलता है हमें, है ना, तो उसके बेस पे हम बताते हैं कि कौन सी कंट्री की पोजीशन कैसी है। तो अब ये ग्रीन में जैसे हाईलाइट किया हुआ है मैंने, बट जनरेट्स द इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ अ नेशन, कि इकोनॉमिक वेल्थ किसी देश की कैसे जनरेट होती है, ठीक है, क्या कारण है कि कुछ देश बहुत गरीब हैं, कुछ बहुत अमीर हैं, व्हाट मेक्स कंट्रीज रिच आर पुअर, देयर आर, ये कुछ सेंट्रल क्वेश्चंस हैं, ये कुछ सेंट्रल क्वेश्चंस हैं इकोनॉमिक्स के जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको आंसर देने होते हैं, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही इनके आंसर मिलते हैं। अब
कोई कंट्री बहुत ज़्यादा गरीब है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, उसके कारण क्या हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम यही कोशिश करते हैं रीज़न ढूंढने की कि क्यों कोई एक कंट्री जो है गरीब है और क्यों एक कंट्री जो है अमीर है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये बात नहीं है कि किसी कंट्री के पास नेचुरल वेल्थ है। नेचुरल वेल्थ में जैसे आ जाता है कुदरत, जो प्रकृति की देन है ना, हमें देश में हमारे अगर मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट है, फर्टाइल लैंड है ना, उपजाऊ भूमि है, तो ये नेचुरली द रिचेस्ट कंट्री होंगी। ऐसा नहीं है जिनके पास अच्छी फर्टाइल ज़मीन होगी, अच्छे जंगल होंगे, है ना, और मिनरल्स होंगे, तो वो देश ज़रूरी नहीं है कि वो रिचेस्ट कंट्री हो, क्योंकि वहाँ पे जो दूसरे जो प्रोडक्ट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो नहीं हो सकते हैं ना। तो बहुत सारे अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। इनफैक्ट इन रिसोर्स रिच अफ्रीका एंड लेटिन अमेरिका हैव सम ऑफ द पोरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और अफ्रीका, जबकि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेटिन अमेरिका, जो लेटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका के कुछ देश हैं बहुत ज़्यादा गरीब हैं, ठीक है, तो उसको लेटिन अमेरिका में आते हैं वो, तो वो बहुत गरीब देश हैं, जबकि उनके पास नेचुरल वेल्थ प्रकृति की तरफ से बहुत ज़्यादा है, तो फिर भी वो गरीब हैं। बल्कि यहाँ पे दूसरे देश भी हैं जो जिनके पास बहुत स्कैर्सली एनी नेचुरल वेल्थ, प्रॉस्परस कंट्रीज हैव स्कैर्सली एनी नेचुरल वेल्थ, बहुत सारे इतने ज़्यादा अमीर देश हैं वहाँ पे कुछ इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाती, इतना एग्रीकल्चर भी नहीं होता है, फर्टाइल लैंड भी नहीं है। जापान भी उसकी एक एग्जाम्पल है, उसके पास कितनी ही लैंड है, जहाँ इतनी ज़्यादा नेचुरल वेल्थ नहीं है, लेकिन फिर भी वो डेवलप्ड कंट्री है। तो अब क्या रीज़न है, अगर नेचुरल रिसोर्सेज का होना भी रीज़न नहीं है, तो फिर क्या रीज़न है कि कोई देश जो है बहुत गरीब है, कुछ कोई देश जो है बहुत ज़्यादा अमीर है, है ना। तो देर वॉज ए टाइम, अब लास्ट थर्ड लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक ऐसा टाइम था कि नेचुरल रिसोर्सेज को ही एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता था, और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फाइट्स, वार्स, युद्ध होते रहते थे। हमारे इंडिया में भी आप काफ़ी हिस्ट्री में भी सुना होगा कन्नौज कितनी फर्टाइल लैंड थी, और उस फर्टाइल लैंड के लिए कितनी लड़ाई होती थी। तो एक टाइम था ऐसा जब नेचुरल रिसोर्सेज को ही ज़्यादा कंसिडरेशन दी जाती थी कि वही वेल्थ है, लेकिन टाइम के साथ जो है चीज़ें चेंज हुई। अब नेचुरल हम देखते हैं कि जिस देश के पास नेचुरल बेशक रिसोर्सेज ज़्यादा हैं वो अमीर फिर भी नहीं है, है ना। तो अब कैसे कोई देश अमीर बनता है, तो यहाँ पे येलो से हाईलाइट किया, जैसे मैंने रिसोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन वट इवन दैन द रिसोर्स है टू बी ट्रांसफॉर्म थ्रू अ प्रोडक्शन प्रोसेस। अब रिसोर्स जो है, बेशक हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हमें पता है हमारे पास कोल के भंडार है, जहाँ आयरन है, लेकिन उसको हम प्रोसेस करते हैं जब, और उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। प्रोडक्शन प्रोसेस में हम किसी नेचुरल रिसोर्स को हम ट्रांसफॉर्म करके उसका फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, और फिर उसकी वैल्यू बन जाती है, और फिर वो मार्केट में बिकता है। तो उस तरह से वेल्थ जनरेट होती है। लेकिन कंट्रीज़ के पास अगर रिसोर्सेज हैं, अगर उनकी प्रोडक्शन प्रोसेस में उनको ट्रांसफॉर्म, उनका चीज़ों का रूपांतरण नहीं हो रहा है, अगर प्रोडक्ट्स का रूपांतरण प्रोडक्शन प्रोसेस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो उससे हमें कोई इनकम नहीं मिलेगी। तो ज़रूरी है कि हम प्रोडक्शन प्रोसेस से जो नेचुरल रिसोर्स, जो भी रिसोर्स हमारे पास हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करें, उससे कोई भी देश जो है वो रिच बन सकता है। अगले पैरा की तरफ चलते हैं, अभी ऊपर पैरा है, टॉप पे आप देख सकते हैं। तो इकोनॉमिक वेल्थ, जहाँ किसी भी देश का वेल्बींग जो है वो सिर्फ रिसोर्सेज की पोजेशन पे डिपेंड नहीं करता, यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये रिसोर्सेज जो हैं कैसे फ्लो ऑफ प्रोडक्शन में इनको लाया जाता है, वस्तुओं के प्रवाह में इनको लाया जाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप जो है एज अ कॉन्सिक्वेंस इनकम एंड वेल्थ आर जनरेटेड फ्रॉम दैट प्रोसेस। ठीक है, प्रोडक्शन में कैसे रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है जिससे कि उस प्रोडक्ट की वैल्यू बन जाती है, और उसको मार्केट में बेचा जा सकता है, और उससे इनकम अर्न की जा सकती है। ठीक है, तो ये वे होता है रिसोर्सेज को प्रोसेस करना, और किसी कंट्री का आगे बढ़ना, उसकी इकोनॉमिक पोजिशन स्ट्रांग होना, उसकी इनकम बढ़ना। Now we are in this on the second last para. Let us now develop on this flow of production. अब हम flow of production के बारे में भी जानेंगे। तो flow of production कैसे arise होता है, flow of production कैसे arise होता है,
वो कैसे अराइज होता है, पीपल अपनी एनर्जीज को कंबाइन करते हैं, भले नेचुरल हो, मैन मेड इन्वायरमेंट हो, सोशल हो, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो, तो ये सभी मिलकर हम फ्लो ऑफ प्रोडक्शन जनरेट करते हैं। तो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन से वस्तुएँ गुड्स बनती हैं और गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हैं हम और वो मार्केट में जाती है और इस तरह से वेल्थ जो है इकॉनमी में जनरेट होती है। अब लास्ट में हम लास्ट थ्री लाइंस, इन अवर मॉडर्न इकोनॉमिक सेटिंग दिस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन अराइसेस आउट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज। अब मॉडर्न इकोनॉमिक सेटिंग में फ्लो ऑफ प्रोडक्शन कैसे अराइज होता है, हम गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं, सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो अब जो गुड्स और सर्विसेज हैं इनकी प्रोडक्शन बहुत सारे जो हैं एंटरप्राइजेस कर रहे हैं, भले वो लार्ज एंटरप्राइज हो सकते हैं, स्मॉल एंटरप्राइज हो सकते हैं, ठीक है। दीज एंटरप्राइजेस रेंज फ्राम गेंट corporations employ a large number of people to a single entrepreneur enterprises। अब ये गेंट corporations भी हो सकते हैं, निगम बड़े बड़े हो सकते हैं और single entrepreneur भी हो सकता है कोई जो production कर रहा है economy में, flow of production को चला रहा है, ठीक है। तो अब जो चीज़ें produce होती हैं, green में मैंने highlight किया है कि what happens to these commodities after being produced। अब goods produce हो गई तो इनका क्या होता है, प्रोड्यूस होती हैं तो उनको बेचा जाएगा, यही तो हमारे दिमाग में आएगा ना, तो ऐसा ही होता है। तो प्रोड्यूसर ऑफ कमोडिटीज़ जो है वो सेल्स हर आउटपुट, अपनी आउटपुट को बेचना चाहता है प्रोड्यूसर। अब स्मॉलेस्ट आइटम्स, स्मॉलेस्ट आइटम्स में क्या आ रहा है, जैसे पिंस हो गए, बटन्स हो गए, और लार्जेस्ट आइटम्स में क्या आ रहा है, एरोप्लेन्स, ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी, गेट मशीनरी और इवन सर्विसेज भी, डॉक्टर की सर्विसेज, लायर की सर्विसेज, फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सर्विसेज, ये सारी चीज़ें जो हैं किसको बेची जाती हैं, कंज्यूमर को बेची जाती हैं, प्रोड्यूस प्रोडक्शन की जाती है इनकी और फिर कंज्यूमर को सेल की जाती हैं ये, ठीक है। तो इस तरह से फ्लो ऑफ प्रोडक्शन चलता है और गुड्स प्रोड्यूस होती हैं और कंज्यूमर्स को बेची जाती हैं। तो अब कंज्यूमर की बात आ रही है, तो हम यहाँ पे हैं सेवन्थ लाइन है जो द कंज्यूमर में इन टर्न वी एन इंडिविजुअल आर एन एंटरप्राइज एंड द गुड और द सर्विस प्रोड्यूस बाय That entity might be for final use or for use in the further production। अब गुड कोई भी कंज्यूमर, हम चीज़ कोई ख़रीदते हैं मार्केट से, तो जहाँ हम खुद इंडिविजुअल हो सकते हैं, जहाँ हम कोई एंटरप्राइज हो सकते हैं, कोई फर्म हो सकती है हमारी, उसके लिए हम कोई चीज़ खरीद रहे हो सकते हैं। अब वो जो हम चीज़ खरीद रहे हैं वो फाइनल यूज़ के लिए भी हो सकती है, जहाँ उस चीज़ को हम यूज़ करके कोई फर्दर प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। अब इसकी आपको एग्जाम्पल भी मिलेगी, when it is used in further production it often loses its characteristic। तो यहाँ पर मैंने येलो में हाईलाइट किया है loses its characteristic, तो अपनी विशेषता जो वो खो देती है चीज़ जब उसको further production के लिए use किया जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आगे example आ भी रही है, cotton, जैसे कॉटन अपनी विशेषता को देगा, उसको कॉटन ही बोलेंगे, जब कोई उसका धागा बन जाएगा उसको धागा बोलेंगे, ठीक है। तो धागे के बाद उसकी धागे की जो है characteristic बदल जाएगी, वो एक कपड़ा बन जाएगा, तो उसकी करैक्टरिस्टिक जो है ये लूज, अपनी करैक्टरिस्टिक्स, अपनी विशेषताएं खोती जाती है प्रोडक्शन जो है, जैसे ही स्टेजेस पार करती जाती है प्रोडक्शन की, ठीक है। तो जो गुड्स जो होती हैं वो फाइनल यूज़ के लिए भी होती हैं और जहाँ तो हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए उसको उनको यूज़ करते हैं। अब इसका क्वेश्चन ये बन जाता है फाइनल यूज़ गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, है ना। तो फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड ये डिफरेंस है, ये आपको नोट का ये आपको करना है, मैं आपको असाइनमेंट दे भी दूंगा साथ में, NCERT के क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, साथ में जो भी बीच में क्वेश्चंस निकलेंगे, जो भी एक्सरसाइज आपको असाइनमेंट दी जाएगी उसको भी आपको अपनी कॉपी पे करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये एग्जाम्पल आ रही है यहाँ पे, स्पेसिफिक गुड जो है जो भी प्रोडक्ट वो प्रोडक्टिव प्रोसेस से जब गुजरती है तो अनदर गुड बन जाती है उसकी, ठीक है। यहाँ पे कॉटन मैंने जैसे हाईलाइट किया, तो कॉटन जो है स्पिनिंग मिल में जाएगा, उसके यार्न बन जाएगा, धागा बन जाएगा, फिर वो टेक्सटाइल मिल में जाएगा, टेक्सटाइल मिल में जाके उसका कपड़ा बन जाएगा। तो इस तरह से कपड़े का भी आर्टिकल ऑफ क्लॉथिंग बन जाते हैं आर्टिकल्स, मे बी कोई भी आर्टिकल हो सकता है, शर्ट हो सकती है ना, ट्राउजर्स, कुछ भी हो सकता है, तो वो आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग बन जाएगा। तो इस तरह से जो है वो अपनी करैक्टरिस्टिक जो है लूज़ करती जाती है, इंटरमीडिएट कमोडिटी जो होती है, इंटरमीडिएट गुड जो होती है, गुड कमोडिटी, हम इकोनॉमिक्स में गुड कमोडिटी चीज़ें ही होती हैं, गुड और कमोडिटी दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ करते रहते हैं हम इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो कोई भी जो चीज़ जो कि अपनी विशेषता खो दे, अपनी करैक्टरिस्टिक खो दे, उसकी उससे हम कोई दूसरी चीज़ प्रोड्यूस कर दें तो वो इंटरमीडिएट गुड होगी, ठीक है। ये इंटरमीडिएट गुड की एग्जाम्पल है। तो ये कोई चीज़ अगर अब
क्लॉथ बन गया है ना, कपड़ा बन गया, कोई आर्टिकल ऑफ क्लॉथ शर्ट हमने खरीद ली मार्केट से, वो कपड़े की शर्ट हमने खरीद ली तो हम फाइनल यूज़ के लिए खरीद रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, फाइनल गुड कहेंगे। क्यों कहेंगे उसको फाइनल गुड, क्योंकि ये अब फर्दर किसी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से इसको कोई भी स्टेज पार नहीं करनी है, कोई रूपांतरण अब शर्ट का नहीं होने वाला है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाली है, इसीलिए हम इसको फाइनल गुड कहेंगे। ठीक है, तो फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में क्या डिफरेंस है, ये इस पैरा में क्लियर हो रहा है और ये 3 या 4 मार्क्स में क्वेश्चन जो है पूछा भी जाता है, तो आपको नोट करना है। तो आगे चलते हैं अगले पैरा की तरफ। अब यहाँ पे मैं एनसीईआरटी से इसलिए पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को कि आपकी कोई लाइन छूटे ना, एनसीईआरटी से कुछ भी ना छूटे, बेशक आप रेफरेंस बुक्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, रेफरेंस बुक्स भी आप यूज़ करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी आपके लिए मस्ट है, आपको इसमें से ही क्वेश्चन जो है बनेंगे आपके लिए, तो आपको एनसीईआरटी को पढ़ना ही पढ़ना है और अच्छे से एक एक लाइन को अच्छे से रीड कर लेना है। मैं पैरा वाइज चल रहा हूँ, लेक्चर मेथड फॉलो हो रहा है। ठीक है, हम अब फाइनल गुड की बात आ रही है। ठीक है, तो व्हाई डू वी कॉल दिस अ फाइनल गुड, अब हम एक जो फाइनल आर्टिकल जो क्लॉथ का बना इसको फाइनल गुड क्यों कहेंगे, फाइनल गुड के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब कोई कमोडिटी जो है वो एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो से जो है पास हो चुकी है, अब उसका कोई इकोनॉमिक फ्लो नहीं चलेगा। इकोनॉमिक फ्लो मतलब कि कोई भी उसकी सेल परचेस अब आगे उसको तोड़फोड़ करके कोई फर्दर उसकी वैल्यू एडिशन नहीं होगी, तो ये एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो से अगर कोई चीज़ बाहर जा चुकी है तो वो फाइनल गुड होगी, क्योंकि वो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी उसकी। ठीक है, तो इट मे हाउएवर अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन बाय द एक्शन ऑफ द अल्टीमेट परचेजर, कोई भी क्रेता कोई भी परचेजर जो होगा अल्टीमेट परचेजर होगा तो वो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, वो उस कमोडिटी की, जैसे हमने चर्ट खरीद ली, कोई भी कमोडिटी खरीद ली, हम उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर वो इकोनॉमिक फ्लो से बाहर चला गया है तो वो फाइनल गुड ही होगी। तो इकोनॉमिक फ्लो ये यहाँ पे याद रखने वाली बात है, तो इससे ही माइंड में रीजनिंग डिवेल्प होगी कि इकोनॉमिक फ्लो में कोई कमोडिटी अगर नहीं है, अगर कोई घर में कोई चीज़ यूज़ कर रहा है वो इकोनॉमिक फ्लो में नहीं है, वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर यूज़ कर रहा है वो इकोनॉमिक फ्लो में नहीं है, तो उसकी मार्केट में वो सेल नहीं हो रही है फर्दर प्रोड्यूस होके कमोडिटी, तो ये इकोनॉमिक एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो वाली वर्ड जो है ये याद रखने वाला है यहाँ पे। अब यहाँ पे एग्जांपल से भी आपको समझाया जाएगा कि इनफैक्ट मैनी सच फाइनल गुड्स आर ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग देयर कंजम्पशन, बहुत सारी फाइनल गुड्स जो होती हैं वो अपने कंजम्पशन के दौरान ट्रांसफॉर्म होती हैं, या ट्रांसफॉर्म होती हैं, उनका चेंज हो जाती हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, उनका रूपांतरण हो जाता है। जैसे चाय, टी लीव्स, हम चाय पत्ती जब खरीदते हैं, कंज्यूमर खरीदता है तो वो चाय को ऐसे ही नहीं खा जाएगा। ठीक है, वो उसकी चाय बनाएगा ड्रिंकेबल टी जो भी पीने के लिए चाय बनाएगा, है ना, तो वो डायरेक्टली कंज्यूम तो नहीं करेगा ना, उसको बना के कंज्यूम करेगा। उसने ट्रांसफॉर्मेशन उस चाय की, लेकिन वो चीज़ चाय जो है उसने घर में यूज़ की और वो उसकी कंजम्पशन कर रहा है, खुद कंजम्पशन कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली मोस्ट ऑफ द आइटम्स एंटर इनटू आवर किचन, तो हम बहुत सारी चीज़ें हमारी किचन में आती हैं, प्रोसेस ऑफ कुकिंग से वो गुजरती हैं, लेकिन प्रोसेस ऑफ कुकिंग घर पे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब कि उसको हम मार्केट में नहीं बेच रहे, ना उसकी कोई वैल्यू है सेल के लिए घर में। ठीक है, हम उसको अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर हम उसको मार्केट में बेचते तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती, लेकिन घर में जो हम अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो कुकिंग कर रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं घर में, तो वो जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं इंक्लूड होगी। इवन टू द प्रोडक्ट इन्वॉल्व अंडरगोस ट्रांसफॉर्मेशन, अगर उसका रूपांतरण हुआ भी है तो, जैसे होम कुक्ड फूड जो है वो सोल्ड किया जाता है, नहीं सोल्ड किया जाता मार्केट में। इसी तरह से हाउएवर, यदि भी अगर जो हमने चाय या जलपान का कुछ भी जो चीज़ें हैं तो वो अगर रेस्टोरेंट है, किसी रेस्तरा में अगर चाय बना के भेजी जा रही है, चाय खरीद के या कुछ कुक करके कस्टमर्स को दिया जा रहा है, ठीक है, तो वो कस्टमर को दिया जा रहा है, देन द सेम आइटम्स सच एज टी लीव्स वुड कीज टू बी फाइनल गुड, तो वो फाइनल गुड चाय को हम फिर फाइनल गुड नहीं कहेंगे, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इकोनॉमिक फ्लो है उसमें अभी भी है और उसकी फर्दर एडिशन वैल्यू एडिशन हो रही है, तो उस केस में हम उसको फाइनल गुड नहीं कहेंगे एंड वुड बी काउंटेड एज इनपुट्स टू विच इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन कैन टेक प्लेस। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया है पिंक पिंक से,
तो उसकी क्योंकि इनपुट वो ऐसे इनपुट यूज़ हो रही है और उसकी फर्दर इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन हो रही है। ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन मतलब चाय की अगर पैकेट हमने लिया 50 का और उससे हम चाय बना बना के उसकी अगर 1000 रुपीज़ की चाय बेच सकते हैं, जहाँ 500 की भी सेल करते हैं चाय बना के, तो वो उसकी वैल्यू एडिशन हुई ना, 50 रुपये का 500 रुपया बन गया है ना, तो वो वैल्यू एडिशन हो गई। तो इस तरह से वो फाइनल गुड अभी तब जाके बनेगी अगर हम उसको फाइनली मार्केट में सेल कर देंगे और उसकी फर्दर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी और वो एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो से बाहर है। दस इट इज़ नॉट इन द नेचर ऑफ अ गुड, दस इट इज़ नॉट इन द नेचर ऑफ अ गुड बट इन द इकोनॉमिक नेचर ऑफ इट्स जूस दैट अ कंज्यूमर बिकम्स दैट अ गुड बिकम्स अ फाइनल गुड। अब ये किसी चीज़ का नेचर की बात नहीं है कि वो चीज़ जो है वो फाइनल गुड बन जाएगी, बल्कि उसका इकोनॉमिक नेचर डिसाइड करेगा कि वो गुड जो है फाइनल गुड है कि नहीं। इकोनॉमिक नेचर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इकोनॉमिक नेचर किसी कमोडिटी का डिसाइड करेगा कि वो गुड फाइनल गुड है कि नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो गुड जो है फाइनल फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है उसकी, और अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो भी रही है तो वो एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो से बाहर है क्योंकि उसको मार्केट में नहीं बेचा जा रहा, तो वो जो है वो फाइनल गुड वो उसका इकोनॉमिक नेचर होगा जो कि किसी कमोडिटी को फाइनल गुड जो है वो बनाता है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पैरा, यहाँ पे हैं हम ऑफ द फाइनल गुड्स टॉप पे देख सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट नेचर जो मैंने आपको फाइनल गुड का बताया। ठीक है, अब फाइनल गुड्स, ऑफ द फाइनल गुड्स वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो फाइनल गुड्स में भी हम डिवीजन कर सकते हैं फाइनल गुड को कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में। ठीक है, तो कंजम्पशन गुड्स में कौन सी चीज़ें आएंगी? गुड्स लाइक फूड एंड क्लॉथिंग एंड सर्विसेज लाइक रिक्रिएशन दैट आर कंज्यूम्ड एंड परचेज बाय देयर अल्टीमेट कंज्यूमर्स। तो वो गुड्स जो हैं वो कंज्यूमर गुड्स होंगी जो हम इमीडिएटली कंज्यूम कर देते हैं, जो अल्टीमेट कंज्यूमर के पास पहुंच गई। फॉर एग्जांपल, फूड हमने कंज्यूम कर लिया, कपड़े हमने यूज़ कर लिए है ना, तो कुछ सर्विसेज होती हैं जैसे रिक्रिएशन सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, तो उनको हम यूज़ कर लेते हैं और कंज्यूम कर लेते हैं और वो ख़त्म हो जाती है। रिक्रिएशन फॉर एग्जांपल, हम रिक्रिएशन में कहीं मूवी देखते हैं तो वो रिक्रिएशन पैसे देते हैं और वो मतलब सर्विस हमें मिलती है और हम फाइनली कंज्यूम कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये है जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स जो हैं वो उसको कंज्यूम करते हैं, वो कंज्यूमर गुड्स होती हैं, कंजम्पशन गुड्स कहते हैं या कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, मैंने हाईलाइट किया रेड से। तो अब हम अपनी कन्वीनियंस के लिए हम गुड्स ही कहेंगे, कमोडिटीज़ या गुड्स कहेंगे, कंज्यूमर गुड्स ही कहेंगे, जबकि कंज्यूमर गुड्स में सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं। ठीक है, इंक्लूड सर्विसेज, तो रिक्रिएशन सर्विसेज जैसे आपने देखा वो भी कंज्यूमर गुड्स में ही हैं। ठीक है, अब ये कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आपको, ये थोड़ी सी आपको रीजनिंग जहाँ उसका पार्ट हो सकता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर आर अदर गुड्स दैट आर ऑफ ड्यूरेबल नेचर। अब कंज्यूम्पशन गुड्स आ गई, ठीक है, जो अल्टीमेट कंज्यूमर जिनको कंज्यूम कर लेगा, उसकी एग्जांपल्स भी आपको दिख रही हैं सामने। ठीक है, फूड एंड क्लॉथिंग एंड रिक्रिएशन सर्विसेज। और लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिनका ड्यूरेबल करैक्टर होता है, ड्यूरेबल करैक्टर यानी जो बड़े लंबे समय तक के लिए चलती हैं, जैसे हमारे पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है ना, तो या मशीन के टूल्स हो गए, इम्प्लीमेंट्स हो गए, ये बड़ी सारी चीज़ें हैं जो लंबे समय के लिए चलती हैं। देर जैसे यहाँ पे बात हो रही है ऐसी ड्यूरेबल करेक्टर्स की गुड्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होती हैं, तो उनमें क्या क्या आ रहा है, टूल्स, इम्प्लीमेंट्स, मशीन्स, वाइल दे मेक प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटीज़ फीजेबल, दे देमसेल्व्स डोंट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस में ट्रांसफार्म नहीं होते, लेकिन ट्रांसफार्म मतलब इनकी कोई, जैसे आपने चाय की बात की थी, चाय की, तो वो ड्रिंक करने के लिए उसको चेंज किया जाता है, उसका ड्रिंकेबल बनाया जाता है उसको, ऐसे ही ये जो मशीन्स, टूल्स, इम्प्लीमेंट्स हैं इनको पर ट्रांसफार्म नहीं किया जाता, बल्कि प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो दे आर ऑल्सो फाइनल गुड्स येट दे आर नॉट फाइनल गुड्स टू बी अल्टीमेटली कंज्यूम्ड। ये फाइनल गुड्स तो हैं क्योंकि ये प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आ रही हैं फाइनली, है ना, तो लेकिन फिर भी ये ऐसी फाइनल गुड्स हैं जो कि अल्टीमेटली कंज्यूम नहीं होगी, इसको हम फर्दर हम यूज़ करते रहते हैं, मशीन एक बार खरीदी और उसको हम बार बार यूज़ करते हैं। ठीक है, मशीन फाइनल गुड है लेकिन मशीन को हम फिर फाइनल बार बार कंज्यूम कर सकते हैं, अल्टीमेटली वो कंज्यूम
एकदम से नहीं हो जाएगी, है ना। तो लाइक द फाइनल गुड्स दैट वी कंसीडर्ड अबव, दे आर द क्रूशियल बैकबोन ऑफ एनी प्रोडक्शन प्रोसेस। तो मशीन टूल्स इंप्लीमेंट दीज आर क्रूशियल बैकबोन ऑफ एनी प्रोडक्शन प्रोसेस। कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए हमें ये मशीन टूल्स इंप्लीमेंट्स चाहिए ही रहते हैं। तो इस तरह से ये प्रोडक्शन को एड करता है, जिससे प्रोडक्शन हो प्रोडक्शन करना संभव हो पाता है इसकी वजह से, ठीक है। दो ड्यूरेबल करेक्टर की कमोडिटीज़ जो हैं ये मशीन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स की हेल्प से। दिस गुड्स फॉर्म्स ऑफ द फॉर्म पार्ट ऑफ द कैपिटल, वन ऑफ द क्रूशियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन विच अ प्रोडक्टिव एंटरप्राइज हैज इन्वेस्टेड एंड दे कंटिन्यू टू अनेबल द प्रोडक्शन प्रोसेस टू गो ऑन फॉर कंटिन्यूस साइकिल्स ऑफ प्रोडक्शन। इस तरह से प्रोडक्शन प्रोसेस चलती रहती है, कंटिन्यूस साइकिल ऑफ प्रोडक्शन चलता रहता है। दीज आर कैपिटल गुड्स। तो इन ड्यूरेबल करेक्टर्स की चीज़ों को जिनसे हम फर्दर प्रोडक्शन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो ये कैपिटल गुड्स हैं एंड दे ग्रेजुअली अंडरगो वियर एंड टीयर। तो कैपिटल गुड्स जो होती हैं वो जो है टाइम के साथ वियर एंड टीयर, उनमें डेप्रिसिएशन होती रहती है, टूटती रहती हैं मशीनें, तो उनको रिपेयर करके हम फिर दोबारा दोबारा यूज़ करते रहते हैं। तो कैपिटल गुड्स जो है इनकी वियर एंड टीयर भी बियर करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स का भी आ जाता है, ठीक है। कौन सी चीज़ें आती हैं उसमें, कौन सी नहीं आती हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये डिफरेंस भी आपको करना है। तो यहाँ पे कैपिटल गुड्स की आपने बात की, तो स्टॉक ऑफ कैपिटल जो एक इकॉनमी के पास होता है उसको प्रिजर्व, मेंटेन और रिन्यू किया जाता रहता है टाइम के साथ साथ, और इसके लिए इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम कमोडिटीज़, जैसे फाइनल कमोडिटी, हमने ड्यूरेबल करेक्टर की कमोडिटी की बात की, उसमें कैपिटल में कैपिटल गुड्स आ गए, मशीन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, वो हमने उसकी बात की। लेकिन कुछ ऐसी कमोडिटीज़ भी होती हैं जो ड्यूरेबल तो होती हैं, फाइनल गुड्स भी वो होती हैं, लेकिन वो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो है वो फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ नहीं होती। यहाँ पे जैसे ऊपर पैरा जो है यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ पे इस पैरा में यही है कि जो कुछ कमोडिटीज़ होती हैं, जैसे टेलीविज़न सेट, ऑटोमोबाइल्स, होम कंप्यूटर्स हो गए, ये अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए यूज़ होते हैं, तो इनकी एक लेकिन करेक्टरिस्टिक्स जो है वो कॉमन है कैपिटल गुड्स के साथ। वो क्या करेक्टरिस्टिक्स है कि ये ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल मतलब कोई भी हमने टीवी खरीद लिया, चाहे टेलीविज़न खरीद लिया, चाहे कंप्यूटर खरीद लिया, उसमें तो कोई परेशानी आएगी तो उसमें स्पेयर पार्ट्स हम यूज़ करवा के उसको रिपेयर करके फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो कुछ कमोडिटीज़ जो ड्यूरेबल अल्टीमेट कंज्यूमर बेशक उनको कंज्यूम करता है, लेकिन ये ड्यूरेबल होती हैं। तो ये कॉमन करेक्टरिस्टिक्स है कैपिटल गुड्स की, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, तो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ कंजम्पशन के लिए ख़त्म नहीं हो जाती, शॉर्ट पीरियड में ही इनकी लॉन्ग लाइफ होती है, और जैसे फूड आर्टिकल्स होते हैं और क्लॉथिंग होती हैं, इनकी शॉर्ट लाइफ होती है। तो कैपिटल, अब इनकी भी वियर एंड टीयर चलती रहती है, ये जो टेलीविज़न सेट, मोबाइल्स, होम कंप्यूटर्स, ठीक है, बेशक ये अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए होते हैं। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि मशीन्स को प्रिजर्व, मेंटेन और रिन्यू किया जा सकता है, दैट इज़ वाई वी कॉल दीज गुड्स कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आती हैं। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एक मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ सकता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में क्या क्या आता है, ठीक है। इस तरह से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी हो गए, कुछ पैरिशेबल कमोडिटीज़ होती हैं, पैरिशेबल कमोडिटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे मिल्क, वेजिटेबल्स वगैरह, ये भी एक मार्क्स में क्वेश्चन आ भी जाता है। तो यहाँ पे आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल की डेफिनेशन पता चल रही है, कंज्यूमर ड्यूरेबल में क्या क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। दस इफ़ वी कंसिडर ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकॉनमी इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दे आर ईदर इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन गुड्स फॉर ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल और कैपिटल गुड्स। तो इकॉनमी में हम जब फाइनल गुड्स की बात करते हैं, फाइनल गुड्स और सर्विसेज, गुड्स क्या होगी, चीज़ें, कमोडिटीज़, ठीक है। तो सर्विसेज सेवाएं होती हैं जैसे, ठीक है। तो हम इकॉनमी में जब भी बात करेंगे फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, जो कि एक इकॉनमी में एक पर्टिकुलर टाइम मतलब हम एक साल ले लेते हैं, जनरली हम 1 ईयर लेते हैं, ठीक है। एक साल में जो भी गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती हैं, वो जहाँ तो कंजम्पशन गुड्स हो सकती हैं, जहाँ कैपिटल गुड्स होती हैं,
ठीक है। तो कंजम्पशन गुड्स में कौन सी आती हैं? कंजम्पशन गुड्स में आपने ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स भी पढ़ी और नॉन ड्यूरेबल भी पढ़ी। ड्यूरेबल में ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कौन सी होगी? टेलीविज़न पढ़ा आपने, ऑटोमोबाइल, होम, कंप्यूटर। और नॉन ड्यूरेबल में क्या आ गया? फूड, क्लॉथिंग और कुछ रिक्रिएशन सर्विसेज। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है कैपिटल गुड्स क्या होती हैं और कंजम्पशन गुड्स क्या होती हैं। तो फाइनल गुड जो होती है उसकी एक ये करेक्टरिस्टिक है कि फाइनल गुड जो है ट्रांसफॉर्मेशन फर्दर इकोनॉमिक प्रोसेस में जो है ट्रांसफॉर्म नहीं होती। ठीक है, कोई भी फाइनल गुड होगी वो उसका फर्दर रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा फाइनल गुड का। ये करेक्टरिस्टिक है फाइनल गुड की। आगे चलते हैं, अब हम इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड का थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आपको क्लियर होगा और अभी थोड़ा ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, इधर तक ही पढ़ पाएंगे। यहाँ पे हैं हम। ठीक है, ऑफ द टोटल प्रोडक्शन टेकिंग प्लेस इन द इकॉनमी लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डोंट एंड अप इन फाइनल कंजम्पशन एंड आर नॉट कैपिटल गुड्स ईदर। ठीक है, कुछ हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस जो इकॉनमी में हो रही होती हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो फाइनल कंजम्पशन में ख़त्म नहीं होते और वो कैपिटल गुड्स भी नहीं होते। ठीक है, तो ये गुड्स जो होती हैं सच गुड्स जो मे बी यूज्ड बाय अदर प्रोड्यूसर्स एज मटेरियल इनपुट्स। एग्जांपल्स आर स्टील शीट्स यूज्ड फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल्स एंड कॉपर यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। दीज आर इंटरमीडिएट गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स की बात आ रही है कि कोई चीज़ें फॉर एग्जांपल बड़ी सारी चीज़ें होती हैं वो कैपिटल गुड्स भी नहीं होती, ऐसे हम कह देंगे फाइनल गुड हैं और जहाँ हम उनका फाइनल कंज्यूम कर भी लेते हैं वो लेकिन वो ख़त्म नहीं होती हैं। तो ऐसी चीज़ें जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम आती हैं, ठीक है, ऐसे मटेरियल इनपुट यूज़ हो जाती हैं उनको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स की एग्जांपल क्या आ रही है यहाँ पे? यहाँ पे स्टील शीट्स। स्टील शीट्स फॉर एग्जांपल किसी स्टील कंपनी ने स्टील शीट्स प्रोड्यूस की तो वो उसके लिए फाइनल गुड होगा, लेकिन वो फर्दर जो है उसका यूज़ किया जा रहा है ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में उसकी शीटें यूज़ की जा रही हैं स्टील शीट्स की, तो वो एक इंटरमीडिएट गुड होगी। ठीक है, तो इस तरह से एग्जांपल आप यूज़ करोगे जब तो फाइन जो आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन इंटरमीडिएट गुड की बात होगी तो स्टील शीट यूज्ड बाय द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर इज़ अ इंटरमीडिएट गुड। आप ये आप जो है इंटरमीडिएट गुड की एग्जांपल दोगे। ठीक है, तो मोस्टली रॉ मटेरियल और इनपुट्स होती हैं प्रोडक्शन दूसरी फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए या दूसरी कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन के लिए उनको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं फाइनल गुड्स नहीं होती। तो यहाँ पे एक डिफरेंस ये भी क्लियर हो जाता है कि फाइनल गुड्स कौन सी होंगी और इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होंगी। आपने काफ़ी डिटेल में पढ़ा फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स, हमने काफ़ी डिटेल में देख भी लिया कि चाय की एग्जाम्पल ही दी टी की, है ना, तो उसमें भी कैसे वो फाइनल गुड बन जाती है और कैसे वो इंटरमीडिएट गुड रहती है। तो फाइनल गुड्स की क्या करैक्टरिस्टिक्स होंगी ये काफ़ी ध्यान से समझने और पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, आज यहीं तक रखेंगे, आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे हम। अब आपके लिए असाइनमेंट, अब असाइनमेंट ये आपके क्वेश्चन कुछ निकलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर सेकंड के असाइनमेंट डेट वाइज मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, तो आपको ये अपनी कॉपी पे सॉल्व करना है और लिखना है इन सभी को। द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ ए कंट्री डज नॉट डिपेंड ऑन मेयर पोजेशन ऑफ रिसोर्सेज एलेबोरेट। आपने इसको एलेबोरेट करना है किस तरह से एक कंट्री का सिर्फ पोजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे ही उसका वेलबींग डिपेंड नहीं करता, कैसे कोई कंट्री रिच है कोई कंट्री पोअर है क्या रीज़न है वो सब आपने देने हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच क्या डिफरेंस है आपको आपने एग्जाम्पल के साथ बताना भी है। फाइनल गुड की भी एग्जाम्पल देनी है, इंटरमीडिएट गुड की भी एग्जाम्पल देनी है, मीनिंग उसका और कैसे फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड डिफरेंट हैं एक दूसरे से वो आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन है कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के बीच क्या अंतर है, आपने एग्जांपल के साथ इधर भी एग्जांपल्स देनी है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट आर ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स, आपने कौन सी आपने वो पढ़ी ड्यूरेबल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स और नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स भी हो सकती है ना कैपिटल गुड्स। अच्छा, ये आपने इसका बीच भी इसके बारे में भी अपने अपने बुक में एग्जांपल्स के साथ लिखना है। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में इतना ही, लेकिन आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि आपको चैनल जो है दिखे, अब नहीं तो चैनल आप नहीं देख पाएंगे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और आपको अगर मैं ही लिंक भेजूंगा तभी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।